भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है और दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र जी चुनाव में जो है वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत के लिए? कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है, भाजपा का घमंड टूट जाएगा 24 तारीख को, आप नोट कर लो। तो आपने जो नारा दिया 75 पार नहीं इस बार हरियाणा पार, तो हरियाणा पार भेज देंगे बीजेपी को? जमुना पार, 75 पार नहीं, भाजपा जमुना पार, भाजपा का घमंड तार तार और कांग्रेस बनेगी सरकार। तो देखिए इस दीपेंद्र हुड्डा जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और दीपेंद्र हुड्डा के साथ में उनकी पत्नी जो है हिमस्वेता है, कितने आश्वस्त हैं आज जीत को लेकर के दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा? बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। देखिए पूरा हुड्डा परिवार जो है वो इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपने बूथ पर जो है वो वोट डालने के लिए पहुँच चुका है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद हैं, दीपेंद्र हुड्डा हैं, दीपेंद्र हुड्डा के साथ में उनकी पत्नी हेम श्वेता हैं और देखिए पूरी तरह से जो है मीडिया कर्मियों ने इनको घेर रखा है, पूरा जो है गर्मजोशी के साथ में यहाँ पे माहौल है। अब बूथ के अंदर जो है दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, उनके पीछे जो है आशा हुड्डा जो है वो है और उनके पीछे जो है रेड कलर के सूट में जो है हेम श्वेता, जिन्होंने हमें जैसे अभी थोड़ी देर पहले बातचीत की, उन्होंने कहा कि अपनी जीत के लिए जो है आश्वस्त हैं, अभी लाइन में लगा हुआ है पूरा हुड्डा परिवार यहाँ पर वोट डालने के लिए। भूपेंद्र हुड्डा आगे हैं, उनकी पुत्रवधू है हेम श्वेता और उनके बाद उन यहाँ पर अपनी पर्ची मिला रहे हैं, पहले यहाँ पर पर्ची मिला रहे हैं। ये देखिए दीपेंद्र हुड्डा जो है किस तरह से सादगी दिखाते हुए और महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं। ये देखिए आशा हुड्डा जो है वो यहाँ पर जो वोटिंग के लिए जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उनके साथ प्यार जताते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो खुद लाइन में है और माँ बेटे जो हैं एक साथ यहाँ पर हैं और पर्चियों को लेकर के यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा जो हैं लोगों को अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं हाथ जोड़ करके और उनके साथ में अब उनकी पत्नी जो है ये दीपेंद्र हुड्डा और उनकी पत्नी हेम श्वेता दोनों जो हैं इस वक्त लाइव आप देख सकते हैं दोनों यहाँ पर हैं। ये देखिए पर्चियां मिलान करती हुई ये आशा हुड्डा जी हैं, पर्चियों का यहाँ पे मिलान हो रहा है। ये देखिए दीपेंद्र हुड्डा की जो वोटिंग पर्ची है वो आप देख सकते हैं, ये है दीपेंद्र हुड्डा की वोटिंग पर्ची और आशा हुड्डा जो है वो मुस्कुरा रही है साथ में अपने बेटे के साथ में और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना वोट डाल दिया है, वो उनका काफिला जो है वो निकल गए हैं। अभी दीपेंद्र और आशा हुड्डा और हेम श्वेता वो यहाँ पर अभी हैं। आशा हुड्डा और हेम श्वेता दोनों आपस में बातचीत करती हुई और गर्मजोशी का माहौल है यहाँ पर, उनके साथ में गांव की जो अन्य महिला वोटर हैं वो भी हैं और अभी देखिए दीपेंद्र हुड्डा जो है वो अपने यहाँ पर जो है साइन कराते हुए और आशा हुड्डा जो है अभी अपना साइन करती हुई और आशा हुड्डा के साथ दीपेंद्र हुड्डा की पत्नी हेम श्वेता हैं, दोनों सास बहू जो हैं वो एक साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन एक ही कलर का जो है वो सूट पहना हुआ है और ये यहाँ पर आशा हुड्डा जो है उसकी उंगली पर साइन लगाते हुए मुस्कुराती हुई आशा हुड्डा यहाँ पर और उनके साथ में उनकी पुत्रवधू
हेमश्वेता है और अपने पुत्र वधु को साथ लेकर के तब आगे बढ़ना चाह रही है। ये सिग्नेचर कर रही हैं अभी दीपेंद्र हुड्डा की पत्नी। आम लोगों की तरह कतार में लगी, कतार में लगने के बाद में जो है अब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और ज़्यादा भीड़ नहीं है इसलिए जल्दी नंबर आ गया। मुस्कान है और एक बार फिर से जो है कोशिश करेंगे इनके साथ बात करने। और ये हेमश्वेता जिन्होंने जो है साइन लगाया। अब दीपेंद्र हुड्डा को आप देख सकते हैं, दीपेंद्र हुड्डा जो है उन्होंने अपना वोट डाल दिया और वोट डालने के बाद अपनी उंगली पर जो है शाही का निशान जो है वो दिखाते हुए और अब जो है यहाँ पर चुनाव अधिकारियों से बात करते हुए जायजा लेते हुए परिस्थितियों का। एक मिनट बहन जी, तो दोनों सास बहू ने जो है ना अपना वोट डाल दिया है। ये सामुदायिक केंद्र है जहाँ पर अभी जो है सांगी गांव में वोट डाला है बूढ़ा परिवार ने। और मैम आपने वोट डाल दिया है, कितनी आश्वस्त हैं जीत के लिए? जीत रहे हैं तो जो है जीत रहे हैं ये कहकर के आशा हुड्डा आगे बढ़ गई हैं। लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, यहाँ के जो लोकल मतदाता हैं उनसे बात कर रहे हैं, गांव के मतदाताओं को लोगों से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। और जो यहाँ पर परिवार के लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी